लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। हमने क्लास नाइन्थ का जो फोर्थ चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा था। जो लास्ट टॉपिक था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, उसकी कुछ कमियां थी। क्या थी? जब कोई आवेशित कण किसी सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है तो अपनी एनर्जी को लगातार लूज करता है और उसका जो पाथ है वो छोटे से छोटा होता चला जाता है और अंत में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ गिर जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो इससे प्रूव हो गया था कि जो रदरफोर्ड था वो अपनी एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। वो फेल हो गया था। और एक रदरफोर्ड साइंटिस्ट अर्नस्ट ई यानी कि ई रदरफोर्ड, फोर्ड के बारे में पूछा जाता है, उसको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता है। एक नंबर में पूछ लिया जाए तो फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कौन कहा जाता है? रदरफोर्ड, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अब पढ़ेंगे नील्स, NEILS, नील्स बोहर मॉडल ऑफ एटम। यानी कि रदरफोर्ड की जो कमियां रह गई थी उनको दूर करने के लिए कौन आया? नील्स बोहर नामक साइंटिस्ट आया। कौन आया? नील्स बोहर आया। तो उसने क्या बताया? भाई ओनली सर्टेन एलिमेंट्स विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कुछ ऐसे ही ऑर्बिट होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ओनली सर्टेन ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व, ओनली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। और इलेक्ट्रॉन जब किसी सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है, जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है तो अपनी एनर्जी को लूज नहीं करता। रदरफोर्ड ने क्या बताया था? जब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो अपनी एनर्जी लूज करेगा। इसने बता दिया भाई अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा। इस तरह से सेल बनते हैं। मान लो ये क्या है? न्यूक्लियस। इसको हम क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट सेल को के, एल, इसको एम, इसको एन, या 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको क्या लिख सकते हैं? तो ये किसके बारे में था? नील्स बोहर मॉडल ऑफ एटम के बारे में था। इसके बाद न्यूट्रॉन क्या था? न्यूट्रॉन। तो यहाँ से इसकी सफलता का राज क्या था? भाई इलेक्ट्रॉन केवल एक ही निश्चित पाथ में या ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाएंगे और जब वो चक्कर लगाएंगे तो अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को कभी भी लूज या लॉस्ट नहीं करेंगे। कभी भी अपनी एनर्जी को लूज या लॉस्ट नहीं करेंगे। और ये स्टेबिलिटी एटम क्या हो जाता है? इससे स्टेबल, क्योंकि एनर्जी जब लूज नहीं करेगा तो स्टेबल। जेम्स चैडविक 1932 में एक नए एटॉमिक पार्टिकल की खोज की जिसका नाम क्या रखा गया? न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था ये, कोई भी चार्ज नहीं था। इस पार्टिकल का नाम क्या दिया गया? न्यूट्रॉन। और जो मास में लगभग किसके इक्वल था? प्रोटॉन के। तो ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थी। खोज पूछा जाता है 1932 में जेम्स चैडविक ने। हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और सेल, यानी अलग अलग सेल के अंदर, ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा कैसे होता है? कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड या बंटवारा होता है इन डिफरेंट सेल आर गिवन द फार्मूला, गिवन फार्मूला बाय 2n स्क्वायर, यानी किस फार्मूले के बेस पे भरेंगे
2n स्क्वायर के फार्मूले से, किससे भरेंगे 2n स्क्वायर, और n क्या है, n इज इक्वल टू एन 1, 2, 3, 4 एंड शोन। जैसे हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, k सेल है ना फर्स्ट, k इज इक्वल टू या 1 फर्स्ट सेल के अंदर n का मान 1 रखेंगे, 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 2। अब 2 का स्क्वायर 2, l के अंदर या दूसरी सेल में कितने आ जाएंगे 8, एक का स्क्वायर 1 होता है उसको 2 से गुणा करेंगे 2, 2 का वर्ग क्या होता है 4, 2 से गुणा करेंगे 8। m सेल या तीसरी सेल के अंदर 3 का वर्ग क्या होता है 9, 18, m में कितने आएंगे 18। लास्ट है जो चौथी सेल n, वहां पर 4 का वर्ग क्या होता है 16 दूनी 32। इस तरह से जो पहला नियम है यानी किस फार्मूले के बेस पे भरे जाते हैं, 2n का वर्ग या 2n स्क्वायर के फार्मूले से भरे जाते हैं, क्या किस फार्मूले से 2n स्क्वायर, जहां पर n क्या है कोई भी संख्या है। दूसरा नियम है कि आखिरी कक्ष में या लास्ट सेल के अंदर, लास्ट सेल या ऑर्बिट के अंदर 8 से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 8। लास्ट सेल में या आखिरी कक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट अकोमोडेट या लास्ट ऑर्बिट इज 8। आखिरी कक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8 आ सकते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है, जब तक अंदर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं हो जाती या जब तक अंदर के इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरे नहीं जाते तब तक हम बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में एंट्री नहीं करवा सकते। दोबारा देखो इसको, जब तक अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरे नहीं जाते या इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम है जो स्टेप टू स्टेप होगा, क्या होगा स्टेप टू स्टेप, जैसे पहले के फिर एल के फिर एम के एन के जो क्या थे 2, 8, 18 और 32, किस फार्मूले से 2n स्क्वायर से। तो इस तरह से ये किसके बारे में था, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट। अब पढ़ेंगे वैलेंसी, क्या पढ़ेंगे वैलेंसी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है वैलेंसी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं संयोजकता, क्या बोलते हैं संयोजकता कहते हैं। अब वैलेंसी क्या है, यानी कि किसी भी एटम के या परमाणु के, एटम या परमाणु के लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं या रिमेनिंग या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट सेल, एक एटम या परमाणु के लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसको क्या बोलते हैं वैलेंसी या संयोजकता, हिंदी में संयोजकता। जैसे हम बात करें सोडियम की, 11 होता है, के एल एम के हिसाब से भरेंगे, के में 2, 8, 1, तो इसकी वैलेंसी क्या बन गई 1। 4 तक जो वैलेंसी होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन आखिरी सेल में 1, 2, 3, 4 बच जाते हैं, 4 तक तो वैलेंसी एज इट इज लिखी जाती है, वह इसकी वैलेंसी 4 है। लेकिन 4 के बाद जैसे 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो वो 8 में से क्या कर दिए जाते हैं सबट्रैक्ट कर दिए जाते हैं, क्या कर दिए जाते हैं सबट्रैक्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको बताता हूँ, किसके द्वारा बताता हूँ, एक एग्जांपल के द्वारा, जैसे हाइड्रोजन है, सबसे पहला एलिमेंट क्या है हाइड्रोजन, कौन सा है हाइड्रोजन है, कौन सा हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1 तो वैलेंसी भी 1। हीलियम क्या है 2, वैलेंसी भी। फिर लिथियम क्या है 3, तो 2, 1 वैलेंसी क्या होगी 1। आखिरी कक्ष में एक आ गया ना, बेरिलियम क्या है 4, वैलेंसी पहले सेल में के में क्या भरेंगे 2, एल में 2, आखिरी कक्ष क्या है 2, तो वैलेंसी। इसके बाद बोरोन,
दो और तीन, वैलेंसी कितनी बन गई, तीन, कार्बन छः, दो और चार वैलेंसी। अब सात पे आ जाओ, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सात है, दो और पाँच, मैंने बताया था चार तक तो एज इट इज रखेंगे और जैसे ही चार से बढ़ती है तो वो एट में से घटाना शुरू कर देते, तो वैलेंसी तीन, ऑक्सीजन आठ, दो और छः, इसको भी आठ में से छः घटाएंगे, वैलेंसी दो। अब फ्लोरीन नौ होता है, कैसे भरेंगे, दो और सात, आठ में से सात घटाएंगे, वैलेंसी एक आ गई। फिर नियॉन कितना होता है, दस, दो और आठ, अब आठ में से आठ घटाएंगे, जीरो वैलेंसी आ जाएगी। तो इस तरह से ये वैलेंसी है। जैसे सिलिकॉन की पूछ लेता है एग्जांपल दे के, 14 होता है तो 2 के अंदर, L के अंदर 8, M के अंदर 4, तो इसकी वैलेंसी कार्बन की तरह कितनी बनेगी, चार बनेगी। तो ये किसके बारे में था, वैलेंसी नंबर ऑफ है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट सेल, या आखिरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं उनको क्या बोलते हैं, संयोजकता। एक से चार तक तो ऐसे की ऐसी लिखी जाती है और चार से ऊपर होने के बाद उसको आठ में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। जैसे नाइट्रोजन की तीन आ गई, ऑक्सीजन की दो आ गई और फ्लोरीन की एक आ गई, नियॉन की क्या आ गई, जीरो। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, जिनको परमाणु संख्या, इसको द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, इसको Z से लिखते हैं, इसको A से। मान ले कोई X एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है और मास नंबर ऊपर लिखा जाता है। X कोई एलिमेंट है, मान ले X कोई क्या है, तत्व है, एलिमेंट, ये मास नंबर है, मास नंबर, और Z क्या है, एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं इसको, एटॉमिक नंबर। परमाणु संख्या को किससे लिखते हैं, Z से। इसका मतलब है एक नाभिक के अंदर या किसी न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं, एक नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या। जैसे Z इज इक्वल टू 3 है, इसका मतलब वो क्या है, लिथियम, और उसके अंदर प्रोटॉन भी कितने हैं, तीन हैं। प्रोटोनों की संख्या को ही क्या बोला जाता है, परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर, क्या बोला जाता है, परमाणु संख्या। और द्रव्यमान संख्या में क्या है बेटा, यानी न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, परमाणु की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों को मिला के क्या बनता है, मास नंबर बनता है या द्रव्यमान संख्या कहलाता है, जिसको ए के द्वारा लिखते हैं। किसके द्वारा लिखते हैं, ए के, और परमाणु संख्या को किसके द्वारा लिखते हैं, जेड के द्वारा लिखते हैं। तो ये आपका क्या था, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। आइसोटोप, कौन सा टॉपिक आगे, आइसोटोप्स, जिसको हिंदी में सम स्थानिक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समस्थानिक। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट जिसका, विच हैज सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप, उनको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड आइसोटोप्स, आइसोटोप्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल की बात करें, कार्बन दोनों का सेम एटॉमिक नंबर, लेकिन ये 14, ये 12, नीचे वाला जो जेड है वो दोनों का सेम है, ए दोनों का क्या है, अलग अलग। एक ही परमाणु के वे समान तत्व जिनकी परमाणु संख्या तो एक जैसी हो परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, क्या हो, जैसे दूसरा एग्जांपल है क्लोरीन का, क्लोरीन दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, 17, एक 35 होता है, एक 37, सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट मास नंबर है। यहाँ पर इसके यूज देखो बेटा,
आइसोटोप के यूज पढ़े जाते हैं, कई बार पूछ लेता है यूज। सबसे पहला यूज है जो यूरेनियम का, आइसोटोप के यूज, यूरेनियम जैसे 92 यूज होता है। यूरेनियम इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर या परमाणु भट्टी में रिएक्टर एज ए फ्यूल, ईंधन के रूप में। और जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट का आइसोटोप किस में यूज होता है? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के अंदर इसका यूज होता है। और एक आपका जो आयोडीन का कोबाल्ट होता है, सॉरी किसका, जो आपका यहाँ पर आइसोटोप ऑफ आयोडीन, आयोडीन का जो आइसोटोप है किस में यूज होता है? गोइटर के अंदर। गैंगा रोग होता ना, यहाँ से थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, गोइटर के रोग में कौन सा आइसोटोप होता है? आयोडीन का। और यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के रूप में, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में कोबाल्ट, और आयोडीन का जो आइसोटोप है गाइटर या गेंगा रोग में काम करता है। इसके बाद है आइसोबार। आइसोबार हमने अभी पढ़ा, आइसोटोप क्या पढ़ा? आइसोटोप। आइसोबार के बारे में देखो, आइसोबार के बारे में क्या था, सबसे पहले हम इसी से कंपैरिजन करेंगे। आइसोटोप तो क्या था? एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एटम के अलग अलग एटम के, एक ही एलिमेंट के सेम एलिमेंट, तो जिनका एटॉमिक नंबर क्या था? एक जैसा, परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग थी। आइसोबार एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, एक ही एटम के अलग अलग एलिमेंट, विच हैज डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी कि जिनका जेड क्या हो, डिफरेंट हो, बट मास नंबर यानी कि ए इज सेम, मास नंबर क्या हो, सेम हो, उनको क्या बोलेंगे? आइसोबार। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या? 18, 19, जेड क्या हो? डिफरेंट हो, और 20, और जो मास नंबर है सभी का 40 के आसपास, लगभग सभी का क्या होता है? 40 होता है। तो ये क्या है? आइसोबार, एक ही एटम के अलग अलग एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या हो? डिफरेंट हो, अलग अलग हो, परंतु मास नंबर क्या हो? एक जैसा, उनको क्या बोलते हैं? आइसोबार। हिंदी में समभारिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? समभारिक, यानी सबका भार क्या हो? सम हो, बराबर हो, द्रव्यमान संख्या जिनकी क्या हो? एक जैसी हो। एक होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम हो, जैसे फ्लोराइड आयन, नियोन और ऑक्सीजन 2-, इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10, क्योंकि 9 के बाद एक प्राप्त करता है, इसमें ऑलरेडी 10 होते हैं, 8 के बाद 2 प्राप्त करता है, सभी में 10 होते हैं। एक जो आपका मास नंबर होता है, मास नंबर होता है क्या बताया था? नंबर ऑफ प्रोटॉन N+P, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। इस तरह से ये चैप्टर था, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। राम राम सभी को, जय श्री राम।